और गीता माता गीता का इस खेल है कि आज हिंदुस्तान में भारत का डंका बज रहा है। ये लोग हम भक्तों से ही देश को बचाना है, जिनके लोटे चश्मे हैं। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? रतुलाल गोठी कौन है? और जब वो गए तो मुझे निकला हे राम। उन्होंने क्या कहा कि राम काल्पनिक है। 2007 में इन्होंने राम जी के लिए हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये सलाह ये राम के कौन से आदर्श पे चल रहे हैं? राम के आदर्श को जानते हैं? राम क्या चाहते थे? भाई भाई में प्यार चाहते थे, सत्कार चाहते, संस्कृति चाहते थे। ये लड़वा रहे हैं, ये राम के आदर्श है। जी जनाब, कहाँ से आ रहा हुआ? जय जगन्नाथ। यात्रा शुरू हुई 20 तारीख यात्रा शुरू हुई जी। बताइए साहब, क्या नाम है आपका? राजेश चलान साहब। जी राजेश चलान साहब, कौन मोंडू से? क्या कहना चाहते हैं? जी बोलिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई देश के लिए सोचो, अपने पराये। बताइए कि ये पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस को, पचास साल पहले मिला चाहिए है गीता। गोरखपुर गीता 100 साल से ज्यादा की है और आज 50 साल पहले मिला चाहिए। आज मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? ये दुर्भाग्य देश का है। क्यों क्या है कि बात कहते कहते मनोदशा ऐसी है कि निकल जाता है। कोई बात, मैंने आपकी बात को ईमानदारी से ले लिया। जय जगन्नाथ। बोले 50 साल पहले मिलना चाहिए। कह रहे हैं गीता 100 साल पुरानी, 100 साल से कुछ ज्यादा पुरानी, क्योंकि इनकी पहचान गीता की गीता प्रेस से है। ये छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है हुरूज। और गीता कोई, मैं आ रहा हूं आप प्रभा जी, और गीता कोई धार्मिक ग्रंथ है? इस पर एक बहस है। मैं बहुत तटस्थ होकर बात कर रहा हूँ, इस पर एक बहस है कि क्या धार्मिक ग्रंथ है। और मैं आपसे प्रभा जी पूछा कि विरोध आखिर क्यों, ये मैं पूछ रहा हूँ। बड़ी अच्छी चौपाई सुना। एक चौपाई मैं भी इनको सुना था, उसी मानस की। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आज इस देश के अंदर हर प्रकार का तप ही तप दिया जा रहा है। बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठती है तो एक तरफ सेंगोल, बाद में कर लेना, एक तरफ सेंगोल और दूसरी तरफ बेच लो पेला जिया। नहीं होता इस बात को देख करके, होता है। और आपने कहा गांधी जी की बात, गांधी जी को मारने वाला कौन था? किस धर्म से था? कोई धर्म नहीं था उसका। नहीं था, हत्यारा होता है। गांधी जी का प्रतीक भाई कौन सा धर्म था? हिंदू धर्म। हे राम बोल के मरे। हम तभी बोलते हैं ना, हम डरते हैं न डराने का काम करते हैं। हम तो वो है जो गोली खा के भी है राम का। अरे भाई रुकिए, उड़ीसा सवाल प्रभात जी फिर वही है आपसे कि विरोध आखिर क्यों। सवाल पे आइएगा, जवाब दीजिएगा। जनता जानना चाहती है प्रभात जी, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि विरोध क्यों है। बिल्कुल नहीं करूंगा। पुस्तक समाज का आईना होती है। मैं एक कवि भी हूँ तो मैं बिल्कुल इस बात का कहता हूँ, आपकी बात को समर्थन करता हूँ, बिल्कुल विरोध नहीं होना। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस 100 सालों से, 50-60 सालों से आप ही प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 65 साल कांग्रेस आपके प्रधानमंत्री जी नहीं, सबके प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं। अरे मोदी जी कहते हैं 65 साल कांग्रेस ने शासन किया, हम थे तो गीता प्रेस था, है और गीता प्रेस रहेगा। मैं भी हिंदू हूँ, मेरे घर में भी गीता प्रेस की पुस्तक है और एक कवि हूँ। मैं गीता प्रेस के किसी भी बात के खिलाफ में नहीं जा सकता, लेकिन ये जो लूटते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था राम मंदिर बनवाने का, ये आखिर चैनलों पे कहते हैं हमने राम मंदिर बनवाया, तब सवाल खड़ा होता है कि
धर्म की राजनीति को। तो पहले क्यों नहीं मिला लिया? कहाँ से आ रहा हुआ? उड़ीसा से। वो मैंने ऐसे देख लिया ना, उत्कल लिखा हुआ था, तो मैं समझ गया कि आप उड़ीसा से, उड़ीसा से आए। बहुत बहुत स्वागत है, जय जगन्नाथ। दिल्ली में रहती, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी, सवाल आपसे फिर वही, ये विरोध आखिर क्यों है? लोकतांत्रिक देश है, इस देश खुन्ना, इस देश में एक बड़े महर्षि कहा हमने उनको, चार्वाक के नाम था, उन्होंने कहा था जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लिप्त्वा घृतम पिबेत, फिर भी उनको हमने महर्षि कहा। लोकतंत्र में विरोध किया जा सकता है। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ और मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि गीता प्रेस का किसी प्रकार का विरोध हो, लेकिन गीता प्रेस के नाम पर अगर आप राजनीति करने जाओगे, देश में धर्म की राजनीति करोगे और एक दूसरे भाइयों को लड़ाओगे आप हिंदू मुसलमान के नाम पर, तब सवाल खड़े करूंगा, तब प्रश्न पूछूंगा। अब पूछू इनसे कि ना पूछू? पूछे प्रभात जी, सवाल क्या था? थोड़ा थोड़ा आप इंच इंच भर के, इंच क्योंकि कमी है, हृदय से कमी है तो कभी का हृदय विशाल होता है, तो वही इंच इंच करके ही आगे बढ़ेंगे। वही इंच इंच करके आगे बढ़ गए हो भाई, किसी को पुरस्कार मिले इससे किसी को वैमनस्यता कैसे हो सकती है? क्या नाम तुम्हारा? कहाँ गए हो? क्या काम कर रहे हो? तुम नाम खड़े रहो। वही किसी को पुरस्कार मिले, वो भी शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड है। किसी को अवार्ड मिले तो इसमें वैमनस्यता कैसे आती है? प्रभात जी, बड़ा मुश्किल है, कांग्रेस आज आई नहीं है, विचार को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, लेकिन मैं आता हूँ बीजेपी। देखिए आप कितनी बार, देखा से तीन बार पूछ लिया ना, नहीं जवाब है ना इनके पास, ये जवाब इनके पास क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अत्यंत हिंदू नहीं, जो सुन्नी हिंदू, उनके पास जवाब कैसे होगा? जो तिरंगे में दिखाते हैं वो जरा परिवर्तन करने के लिए, सनातन धर्म विरोधी, संस्कृति विरोधी, इनके पास आप 100 बार पूछोगे हिंदू क्या है तो राहुल गांधी बोलेगा हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदू राहुल गांधी, राहुल गांधी बोलेगा नहीं, राहुल गांधी बोलेंगे। नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ प्रभात जी, क्योंकि मैंने वही किताब पढ़ी है जिसका विरोध आप कर रहे हैं। मैं बताऊं, मैं सर आदि के बात आ रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद, मैं आखिर क्यों पक्ष में खड़ा और ये बात मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ आंख में हाथ डाल के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रामचरितमानस की पंक्तियां यहाँ उत्तर विद्वान आदमी है।